पहले आज के सेशन के वेस्डे के सारे के सारे बिग स्टॉक्स हाँ बिग स्टॉक्स की कड़ी में क्या क्या बहुत सारे बिग स्टॉक्स हैं अरे वाह <laughs> पहले तो एक सेक्टर से शुरुआत करेंगे आज मुझे लग रहा है ऑटो एंसिलरी पर फोकस करें आप मारुति की रैली के बाद मैंने हमेशा नोटिस करा है उससे रिलेटेड स्टॉक्स चलते हैं मतलब कल मारुति में रैली का पहला दिन था और आज, आज आपने सुबह अपग्रेड्स देखे मारुति में सारे के सारे बड़े बड़े अपग्रेड्स पंद्रह पंद्रह हजार तक के टारगेट आए

यही मौके होते हैं जिनको और मैं आई एम श्योर कि कई ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने रीजनल मीडिया में इस न्यूज़ को देखा होगा और लिया होगा उन्होंने कि देर सवेर मेन स्ट्रीम मीडिया जागेगा और चलाएगा इस <laughs> न्यूज़ को देर सवेर ब्रोकरेज जागेंगे तो सब ने अपग्रेड किया मारुति को तो आज आप ऑटो एंसलरी पर फोकस करें बैटरी मेकर हो गए टायर मेकर हो गए पिस्टन मेकरस हो गए ब्रेक वाली कंपनियाँ हो गई और ये सेक्टर वैसे भी चल रहा है तो इसके लिए आज मुझे लग रहा है कि इन सब स्टॉक्स पर फोकस करें एक साइड हमारा राज तो दो एग्ज़ाम्पल हो गए अपोलो टायर्स एम आर एफ़ वो एक श्रीराम पिस्टेंस करके एक स्टॉक है ऐसे मतलब बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हैं और आने ब्रेक्स वगैरह वगैरह मतलब काफ़ी स्टॉक्स हैं काफ़ी कुछ चल चुके हैं इनमें से लेकिन ये सेक्टर जय भारत मारुति ये सब जे बी एम ऑटो ये मतलब बेसिकली ये सब इस तरीके के स्टॉक्स सुब्रोज ये जो ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर इन पर आप फोकस कर सकते हैं तो ये हो गया एक दूसरा है इन्फोसिस इन्फोस को सेक्टर अलार्म से पाँच साल का एक ऑर्डर मिला है और ये सेक्टर अलाम क्या है यूरोप की एक कंपनी है सिक्योरिटी सोल्यूशन प्रोवाइडर है उससे एक ऑर्डर मिला है क्लियरली कंपनीज अपने आप को थोड़ा डेज कर रही हैं यू से और आगे भी निकल रही हैं इन्फोसिस के के केस में बस एक रिस्क इस का ध्यान रखिएगा टी के नंबर्स कल हैं कल है ना टी के नंबर्स टी के नंबर्स कल हाँ टी के नंबर्स कल हैं तो कई बार क्या होता है अब अगर टी क्योंकि स्टॉक सब इतना चल चुके हैं और अगर टी सी की कॉमेंट्री अच्छी नहीं आई तो कल हो सकता है पूरा आई गिर जाए तो इस चीज़ का ध्यान रखें लेकिन इन्फोसिस का प्राइस बिहेवियर मुझे कह रहा है कि शायद इन्फोसिस के नंबर्स और टीसीएस के नंबर्स में कुछ डिफरेंशियल मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है तो इसके लिए इन्फोसिस को अभी मैं ग्रीन ले चल रहा हूँ लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि थोड़ी टी के नंबर से पहले वॉलीडिलिटी रह सकती है दो ब्लॉक डील्स हैं मैं दोनों को ग्रीन ले चल रहा हूँ उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको दोनों के केस में क्लीन आउट ट्रेड है और दोनों के केस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि विंडो में निपट जाएगी अगर विंडो में नहीं निपटी तब रेड होगा लेकिन अदरवाइज पहले मैनकाइंड है अब मैनकाइंड में वैसे भी बहुत छोटा स्टेक है वो पॉइंट नाइन परसेंट का ब्लॉक है और दो हज़ार इकसठ रुपये का यहाँ पर फ्लोर प्राइस है दो परसेंट का डिस्काउंट है मेरे ख्याल से विंडो में निपट जाएगी इस स्टॉक ने बहुत पैसा कमा कर दिया है लिस्टिंग के बाद से और ये स्टॉक इस एंटिसपेशन में गिर चुका है ब्लॉक डील में तीन महीने का चार्ट देखिए आप ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था इसीलिए इसने फार्मला रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया वापस तीन महीने का चार्ट 11 परसेंट ये स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है आज फ्लोर जो है ना मुझे नहीं लगता कि 2050 के नीचे जगह है यहाँ पर मेरा ये मानना है कि ब्लॉक होने के बाद ये स्टॉक में अच्छी खासी रैली आएगी तो इसके लिए ये एक आपके लिए एक ट्रेड हो गया दूसरा डिलीवरी डिलीवरी को भी मैं ग्रीन इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि डिलीवरी के, के केस में ये जो है ये क्लीन आउट ट्रेड है जो कैनेडा पेंशन फंड बेच रहा है वो 3.17 परसेंट स्टेक जो उनका बेच रहा है और यहाँ पर भी 378 टू 389 का फ्लोर प्राइस है अगर थोड़ी सी भी डिमांड अच्छी हो अगर ये निपट गई विंडो में अगर ये ब्लॉक तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी शायद ग्रीन टिक हो सकता है इसके लिए मैंने आ, ग्रीन में लिया है क्योंकि ये बुल मार्केट थोड़ा अलग है नॉर्मली ब्लॉक डील्स में हम हमेशा रेड लेते हैं लेकिन आ, इस बार मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ ये कहानी है भाई साहब सारे के सारे आज के बिग स्टॉक्स कल मारुति की एक तरफा जिसने पूरे शो में मारुति द शो आमतौर पर एक दो दिन की तेजी के बाद ये सच है एंसिलरी जागते हैं उन स्टॉक्स में आपको एक्शन देखने को मिलता है तो ऑटो एंसिलरी स्पेस और खास तौर पे वो लोग जो शायद मारुति को सप्लाई करते हैं वो ज्यादा चमक होंगे शायद इन्फोसिस डील बैक करने की न्यूज के चलते और ये जो नीचे दो हैं इनकी डिटेल में भी चर्चा करेंगे अपन स्टॉक्स न्यूज पे जाएंगे तब बातचीत होगी लेकिन दोनों में वास की एक्सक्लूसिव कहती है आज लार्ज ट्रेड होते हुए नजर आए शायद ब्लॉक डील्स होती हुई नजर आए इन दोनों को भी लाजली आज ग्रीन रखा जा सकता है यह है बस देखना पड़ेगा कौन सी विंडो में ट्रांजेक्शन कंज्यूमर कं, 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 कंप्लीट होते हैं